सर, नहीं क्या दिक्कत है आपकी? रुक जाओ, क्या दिक्कत है आपको? आप जो ये कूड़ादानी दिखा रहे हो, ये कूड़ादान और ये ऑन बंद करो, बंद ही है ये। ये जो आप कूड़ादानी दिखा रहे हो, ये पब्लिक कूड़ादान फेंकता है ना, गवर्नमेंट तो नहीं आता है। आप पहले बोलो, पहले मेरे को बोलने दो। आप अगर मीडिया करते हो तो हम भी मीडिया के संचालन करते हैं। आप जब से वहाँ से लेके यहाँ तक बोले जा रहे, गुणगान करके तमाशा बना रहे, मैंने आपको कुछ बोला? सुनिए, आप लोग मीडिया जो है ना, आप लोग पब्लिक को तमाशा बना दिए हैं। तमाशा क्या बनाया? क्या तमाशा बनाया ये बताइए। अगर आपका ओपिनियन लेना गलत है, अगर आपका ओपिनियन लेना गलत है, क्या ये चीज हटवाओगे आप? हटवाने के लिए ही तो आए ना। आपने ये कैसे बोल दिया? बीजेपी वाले देख लीजिएगा। लेकिन इस तरह से नहीं आना है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी भी आम आदमी पार्टी की हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का काम कैसा चल रहा है, किस तरह से है, वो मैं ज़रा दिखाऊंगी आपको। तो ज़रा आप देख लीजिए, मेरे आसपास मेरे हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कूड़े का ढेर है। कहा जा केजरीवाल जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन लंदन पेरिस तो चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ ढंग से चलने की जगह भी इन्होंने नहीं बनाई है। और जब एमसीडी उनके हाथ में आई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में जो तीन बड़े कूड़े ढेर, कूड़े के जो पहाड़ हैं, उसको वो साफ कराएंगे, लेकिन यहाँ छोटी छोटी कॉलोनियों में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। और किस तरह से इन कूड़ों के बीच में आप देख सकते हैं कि गाय कैसे अपना खाना ढूंढ रही है। यही गाय जिनकी हम पूजा करते हैं, अपने घर की सबसे पहली रोटी जो निकालते हैं बना करके, वो हम इनको देते हैं। आज इनकी हालत ऐसी है कि इन्हें यहाँ आकर खाना ढूंढना पड़ रहा है। तो किस तरह से प्रशासन की जो लापरवाही है, वो साफ देखी जा रही है यहाँ। मुझे नहीं लगता ये एक दिन, दो दिन या दस दिन की बात नहीं है, ये सालों सालों की बात है कि इस तरह से यहाँ जो गंदगी है, यहाँ साफ़ करने के लिए कोई भी नहीं आया और नज़र डालने भी कोई नहीं आया। अब इसी पे हम लोगों से यहाँ के बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ के हालात के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो आइए चलिए हम लोगों से बात करते हैं। मैम, यहाँ के हालात के बारे में आप क्या कहेंगी? जिस तरह से कूड़े का ढेर है, कितनी परेशानी? परेशानी तो आप देख ही रहे हो। ये जो कूड़ा है, ये अभी थोड़े दिन पहले ये बस स्टॉप तक था, दिवाली पर, और आधी रोड घिरी रहती है, इस चक्कर में फुल ट्रैफिक जैम हो जाता है। हम लोग यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी शुरू हुई है। पूरा का पूरा नाला टूट गया है, लोग मुझे नहीं पता ये कूड़ा किसका है, कहाँ से आता है। आप वहाँ पर पीछे कूड़ेदान है, वो साफ़ है, पर ये कूड़ा यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा आगे रेड लाइट के आगे जाएंगे, वहाँ पर भी ये हाल है। मतलब इस रोड पे दो तीन जगह पे ऐसे है। मैंने ये ट्वीट्स किए हैं सो कॉल्ड सबको, जो जो पॉसिबल हैं, ये देखो, ये मैंने फोटोग्राफ्स डाल के उस दिन ट्वीट किया है। ये ट्वीट्स है मेरे, जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, HMO सबको डाल दिया है कि यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर नहीं। तो आप वो माहौल तो दे दो हमें कि हम यहाँ रह सके। और ये मेरे घर के आगे खोद के गए हुए हैं, 2.5 महीने हो गए हैं। इस बात को बोला था एक हफ्ते में बंद हो जाएगा, कोई सुनने को राज़ी नहीं है, कोई नहीं। सब जगह पे जाके ये बोलते हैं कि आप जाके एप्लीकेशन डाल दो, एप्लीकेशन डालने के बाद भी नहीं हो रहा है ये। तो मुझे नहीं पता इसका क्या होने वाला है, बट ऑनेस्टली इफ़ देर इज़ समबडी लिसनिंग, यू नीड टू कम हियर एंड लुक एट द सिचुएशन दैट वी लिविंग इन। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है। आज तो पता नहीं कम है थोड़ा सा, नहीं तो ये सड़क के बीच तक होता है। ये करीबन सालों भर से है, कई सालों से है, ये कूड़े हटते ही नहीं है। आती है गाड़ियाँ उठा के लेके जाती है, फिर दोबारा से ऐसे कूड़े हो जाते हैं। और ये यहाँ ही नहीं, हर आपको जो ऐसो फ्लाईओवर के पास ही है, जो ब्रिज जो बन रहे हैं नाले के ऊपर, ये हर नाले के ऊपर जो ऐसो यहाँ जनकपुरी में मिल जाएगा। आगे वाले जाइएगा स्टॉप पे, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, सेम इसी तरीके से आपको पूरे मिल जाएगा। कूड़े का तो पूरा केजरीवाल ने पूरा बेगरक कर रखा है, जो कह रहे हैं कूड़ा ढेर हटवाऊँगा। अभी उनका कुछ आया था कुछ दिनों में, जो कि हटवाऊँगा। ये कॉलोनियों का नहीं हटवा पा रहे हैं, वहाँ का क्यों कैसे हटा देंगे जी? ये केजरीवाल जी के बहुत बड़े बड़े दावे हैं, जो कि ये कहते थे कि हम उसको दिल्ली को पेरिस बना देंगे। ये देखिए, ये पेरिस है हमारी दिल्ली, देख रहे हैं आपने, ये दिल्ली नहीं है, ये पेरिस है। इसको देखिए, ये इसका पेरिस देखिए, क्योंकि
बेहतरीन तरीके से जितनी बदबूदार पेरिस बना रखी है जिसका कोई जवाब नहीं। ये केजरीवाल जी ना सिर्फ एक झूठे वादे के लिए माने जाते हैं और आज इनकी पोल पट्टी सारी दुनिया सारी हिंदुस्तान सारा तरीके से जान चुका है कि ये किस तरीके से इन्होंने पेरिस के नाम लेते हुए और जनता को बरगलाते हुए इस तरीके से वादे किए झूठे सारे। हम जमुना जी को साफ कर देंगे, आज इतने सालों से 12 साल कितने एक साल हो गए इसको बने हुए, अब तक झाग हटे नहीं है। इसमें कम से कम नहीं तो 60% गंदगी और बढ़ गई है, जहाँ 40% थी 60% और बढ़ गई है। कितनी यहाँ पे इस कितनी दिक्कत होती, कभी कोई सफाई करने वाला देखा आपने कि हाँ आया किया कुछ? मैंने अभी तक जितनी बार भी मैं यहाँ से आता जाता हूँ मैंने सिर्फ ये देखा है कि कोई कूड़ा डालने वाला आया, इसको कोई कूड़े को उठाने वाला कोई अभी तक नहीं देखा। सर यहाँ ये कूड़े का जिस तरह से ढेर है कितनी समस्या है और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये जो सरकार है 9 साल से चल रही है दिल्ली में केजरीवाल सरकार, ये बिल्कुल भ्रष्ट है और इन्होंने कोई काम की तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ इनके MLA और निगम पार्षद मेयर सब पैसों के चक्कर में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सफाई कर्मियों की तनख्वाह दे नहीं पा रहे, बोर्डों पे खर्चा कर रहे हैं दुनिया भर का और काम की तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं है। तो जैसे केजरीवाल सरकार कहते हैं, दावे करते हैं मैं ये काम कर दूंगा, कूड़े का ढेर हटवा दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, आपको लगता है कि वो कर पाएंगे ये सब? आपके सामने ही है लंदन पेरिस, दिखाओ पब्लिक को, आप कैमरा घुमाओगे तो देखो कितना कूड़े का ढेर पड़ा है लंदन पेरिस, पता ही लग जाएगा उनको, कोई भी देखेगा इसको वीडियो को और आपकी न्यूज़ को। और ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार हमने तो अभी तक आज तक ज़िंदगी में देखी नहीं, हमारी उम्र 45 साल हो गई, सबसे भ्रष्ट सरकार है ये, ईमानदारी का दावा करते हैं और सबसे भ्रष्ट सरकार है ये, इनके जितने मंत्री है सारे भ्रष्ट है, कुछ की तो जेल हो चुकी, कुछ जेल में जाने के लिए तैयारी है। और ये सरकार सिर्फ ईमानदारी के ऊपर आई थी और ईमानदारी में इनका कोई भी, ईमानदारी के नाम की चीज़ भी नहीं है सरकार में, रोनी है कहीं देखो कुछ भी कोई काम नहीं है, सिर्फ बोर्डों पे और होर्डिंगों पे तो ज़रूर काम है इनका। और पूरे इंडिया में ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इनसे दिल्ली संभाली नहीं जा रही, पंजाब में पूरा नशा का काम चल रहा है, कोई सरकार ने वहाँ काम नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ उनके मंत्री वहाँ भी एक दो फंस चुके, 2-4 और फंस जाएंगे, सिर्फ भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार बिल्कुल। ये कूड़े का जो ढेर है इससे कितनी समस्या है, क्या कहेंगे आप यहाँ के बारे में? ये समस्या प्रतिदिन रहती है, हमेशा से कोई यहाँ कार्यवाही नहीं होती, यहाँ से आना जाना दुश्वार हो जाता है इतनी गंद और बदबू से कारण। और मैम इस पे कोई मतलब कोई भी जो है जो गवर्नमेंट है इन पे कोई वर्क नहीं करता, साफ सफाई में कोई भी कर्मचारी ध्यान नहीं देता, कोई कर्मचारी नहीं आता, ऐसा नहीं आता, देखने भी नहीं आते? नहीं मैम। कब से है ये? मैम काफ़ी टाइम मैं इधर से मैम आना जाना रहता है कंटिन्यू, मैं देखता हूँ तो यही हाल रहता है यहाँ, कभी साफ दिखाई नहीं? नहीं मैम। तो ये है देख रहे हैं गंदगी फैला हुआ है, बदबू आ रहा है नाक में, क्या करेगा आदमी, लाचार है। कहाँ अभी अगर करता तो ये कूड़ा का ढेर रहता, यहाँ तो करना चाहिए ना, ये कूड़ा तो यहाँ रोड पर से तो हटाना चाहिए ना। सरकार की जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी की लापरवाही, क्या कहेंगे आप उनको? अब क्या कहा जाए, कह रहा है दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम ये देखिए, अच्छा काम ये जी, बहुत गंदगी होती है यहाँ पर और निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, आप देख सकते हो सड़क कितनी है, यहाँ पर जाम लग जाता है, अभी तो जैसे दिन का समय है तो इतना वो नहीं है, जाम लग जाता है और गंदी स्मेल, यहाँ पर लोग मतलब बहुत बुरा हाल है जी, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर किसी तरह की भी। केजरीवाल ने जब आए थे, जब उनको MCD मिली थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम कूड़े के जो ढेर हैं उनको कम कराएंगे, हटाएंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, तो क्या लगता है कि इस तरह से हो पाएगा काम उनका? जी दिल्ली उससे पहले कहीं ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने लंदन पैलेस तो नहीं बनाया इसको, बाकी कूड़ों का ढेर ही बनाया है और कुछ नहीं बनाया है सिवाय गंदगी करने के, और कुछ नहीं करा है, और ये उन्हीं की देन है गंदगी, ये तो आप भी जानते हो। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इसकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए अगर आगे चुनावों में आना है तो। यहाँ के कूड़े के ढेर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ये बहुत शर्मनाक है, देखो आदमी जैसे यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई यहाँ अब जैसे बगल में घर देखिए, घर कितने इतने कितने बदबू आ रहे हैं, गाय देखिए वो देखो कैसे खा रही पड़ी हैं, तो ये सब MCD की बहुत है, MCD BJP हो या आप आदमी हो, बहुत गलत है ना, इसको जैसे जहाँ इसको आपने बना रखा वहाँ कूड़ा इकट्ठा करिए या उसको डस्टबिन में डलवाइए या डस्टबिन रखवाइए, यहाँ आप देखिए आप यहाँ कितने आदमी यहाँ से बदबू, इससे कितनी बीमारी फैल रही है, आप देखिए आप यहाँ खड़े होंगे कितना बदबू आ रहा है,
उसके बाद गाय देखी यहाँ से वहाँ तक कैसे गाय खा रही है। तो इसको एमसीडी की कहीं लापरवाही है, सबकी है, इसको क्या नाम है, जनता को भी देखना चाहिए। उसके बाद जो एमसीडी के यहाँ चेयरमैन है या कोई एमसीडी का है उसको भी देखना चाहिए, डस्टबिन की व्यवस्था करो। की आम आदमी पार्टी की सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी आपको इसमें नज़र आ रही है? सर मैम बहुत आ रही, आप यहाँ की नहीं, आप हर गली में चली जाइए, आप कोई भी गली में चली जाइए, देखिए सीवर बह रहा है, ना कोई सफाई है। आप वो करें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखो पोल्यूशन का मैं ध्यान दे रहा हूँ, कहीं आपने दिखाया है कहीं कि पोल्यूशन का फुहारा लगा चल रहा है, आप दिखें कहीं यहाँ से दिख रहा है आपको, दिखे हैं नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये देखो आप वहाँ कोई ऐसी गली नहीं है कि सफाई कहीं कोई झाड़ू लगाता हो, यहाँ से आप मैं रोज निकलता हूँ कभी देखता हूँ कोई झाड़ू सुबह लगाता हो देखिए या शाम को देखिए नहीं लगाता कोई। तो ये मैम की क्योंकि एमसीडी दोनों वो उनको बदनाम करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि इनकी सरकार है तो हम क्यों करें, क्योंकि हमको वोट बैंक उनको भी बनाना है, वो सोचते हैं कि हमारी सरकार है ये बीजेपी वाले हमको करने नहीं दे रहे। तो ये दोनों की वो है जो है वो अपना खा रहे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आम जनता इसमें झेल रही ना। जैसे पंखा रोड बोलते हैं इसको, ठीक है जी, मगर ये देखो ना इस पर पूरे पर कूड़े, 1 किलोमीटर तक कूड़ा है इस पर, आप यहाँ पर सांस लेना दुश्वार है, 5 मिनट आप सांस नहीं ले सकते यहाँ। अगर कोई अधिकारी आकर अगर यहाँ 10 मिनट खड़ा हो जाए ना तो हम उसे मान जाएंगे, हाँ भैया तू काम कर रही है, तो फिर ऐसे रहने दो। अगर वो खुद नहीं आ, जब यहाँ से कोई भी वीआईपी या वैसा कोई अधिकारी निकलता है तो वो पहले शीशा चढ़ा लेता है और दूसरी बात वो अपनी तरफ से पर्दा लगा लेता है इधर से, तो इसका मतलब क्या है? ये तो जिसके अंडर में आ रहे वह केजरीवाल सरकार जी बोल रही कि भैया एमसीडी नहीं हमारे हाथ में, एमसीडी नहीं, एमसीडी भी आ गई आपके हाथ में, हमने तो एमसीडी को देख के वोट दिया था ना कि हाँ भाई केजरीवाल काम करा देंगे, ठीक है ना। तो अब केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी वाले नहीं काम करने दे रहे हैं, तो जब आपके एमसीडी आपके हाथ में है, सब चीज़ आपके हाथ में है, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे भाई? तो जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने किस तरह से यहाँ के हालात और यहाँ की परेशानियों के बारे में बताया वो आपने देखा ही, किस तरह से यहाँ के हालात है वो आप देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे फुटपाथ है, फुटपाथ पर लोगों को पैदल चलने की जगह होती है, ये इसलिए बनाया जाता है कि लोग यहाँ पे पैदल चल सके, लेकिन यहाँ पैदल चलना तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह से कूड़े का ढेर है ये तो कूड़ा डालने के लिए ही बनाया हुआ है, पैदल चलने के लिए ये जगह नहीं बनाई हुई है। तो आम आदमी पार्टी को हर चीज़ चाहिए, सरकार भी चाहिए। पहले बोलती थी एमसीडी नहीं है हमारे पास इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, अब आपको एमसीडी भी दे दी गई है, उसके बावजूद भी अगर आपके काम में ये हरकत है, ये काम है, तो फिर क्या फ़ायदा आपकी ऐसी सरकार होने का, क्या फ़ायदा हमारे आपको वोट करने का। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।